हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चाहे आपकी उनसे बात होती है, चाहे आपकी उनसे बात नहीं होती है, जो भी सिनारियो है, सभी लोग इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। टाइमलेस है तो जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस, सभी जेंडर्स, सभी रिलीजियंस, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ चेक कीजिए, जनरल की तरह चेक कीजिए एंड जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। सो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कम से कम 3 बार उनका नाम मन ही मन में लीजिए एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक करें। तो आज हम चेक करेंगे कि किसके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, किसी एक ग्रुप के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आपके कनेक्शन के बारे में कुछ खास बातें, जिससे आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपकी है या फिर किसी और की। ओम साई राम। तो देखते हैं डिवाइन टैरो क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन एंड ऑफ, ऑन एंड आउट, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, सॉरी। ये सिनारियो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चलता हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमनाई, लिब्रा, क्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जीज आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ अबाउट योर कनेक्शन कि आपके पर्सन कान के बहुत कच्चे हैं, औरों के मैनिपुलेशन में, औरों के बहकावे में अक्सर आ जाते हैं, आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं। आपके पर्सन आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं और किसी टाइम पे अप्रोच भी इन्होंने ही फर्स्ट किया था। आप अपनी लाइफ में वेल स्टेबल एंड वेल सेटल्ड हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ही परेशान हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में क्या होगा एंड इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। आपके पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, कभी कभी हमेशा आपके आगे पीछे घूमते रहते थे, आपको कन्विंस करने में लगे रहते थे, लेकिन जैसे ही आप उनसे इम्प्रेस हुए, आपने उन्हें पसंद करना शुरू किया, आपने उनके साथ फ्यूचर देखना शुरू किया, तो ये आपसे दूरियाँ मेंटेन करने लगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। या तो ये कहीं और जाके जॉब करने लगे, या किसी और सिटी में जाकर सेटल हो गए, या फिर कभी आपसे मिलने आते थे और बहुत टाइम तक आपसे मिलने नहीं आते थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब रहने लगे या फिर ऑलरेडी रहते हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन ने या तो कोई और रोमांटिक पर्सन आपके ओवर चूज़ किया है, या फिर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स या फिर उनकी फैमिली है जो कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है, जिन पर आपके पर्सन आपसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड उनकी बातों में आकर अक्सर आपके साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उनका झगड़ा हो जाता है। इस रिश्ते का फ्यूचर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे और इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में वो सोच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। परेशान तो आपके पर्सन भी होते हैं क्योंकि जिसको उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन समझा था वो प्यार में कब कन्वर्ट हो गया उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। जब ज़्यादा दिन वो आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं और अगेन उनकी इनकमिंग होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो चले भी जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में बेसिकली मुझे दिखाई देती हैं। वैसे आपके पर्सन मुझे इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाले भी दिखाई देते हैं। जो बात एक बार बोल दी वो सही है, नो मैटर कि वो बात गलत हो, और उन्हें उनकी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो आपके पर्सन मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहे थे कभी आपको पाने के लिए, और जैसे ही आप उनको मिल गए वैसे ही इन पर्सन ने आपकी परवाह करनी छोड़ दी, जिसका कारण इनकी ईगो और इनका एटीट्यूड तो था ही, लेकिन साथ ही में कॉमन फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, फैमिली या फिर इन्होंने आपके ओवर किसी और रोमांटिक पर्सन को चूज़ किया उसका मैनिपुलेशन भी था। उन लोगों ने इनको ऐसे मैनिपुलेट किया कि इनके मन में आपके लिए गुस्सा, नफ़रत और नाराज़गी बढ़ने लगी एंड इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन हो सकता है आपके रिश्ते में चल रही हो।
फ्रेंड्स, रीडिंग सबसे पूरी रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। आए हैं द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ कप्स, द टावर। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि जितना मर्जी वो आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करें, किसी के मैनिपुलेशन में आके आपसे नफरत करें, आपसे झगड़ा करें, आपसे नाराज रहें या फिर आपकी एक ना सुने, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो पूरी तरह से मूव ऑन होकर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। उनके माइंड में, उनके दिल और दिमाग में 24/7 बस आप ही के ख्याल रहते हैं, बस आप ही की यादें रहती हैं। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि समटाइम उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में आपके साथ फैमिली दोबारा से बनानी चाहिए या फिर आपके साथ रीयूनाइट हो जाना चाहिए विद द कार्ड ऑफ टेन ऑफ कप्स, लेकिन अंदर से वो फील करते हैं कि जो उन्होंने मिसबिहेव किया है, जो उन्होंने सब मेस किया है, या फिर वो आपको छोड़कर आगे चले गए, उन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ किया, आपको बुरा भला कहा, आपको ब्लेम किया, आप पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने जो भी नेगेटिव चीज़ें की हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो आपके साथ अभी भी हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखते हैं लेकिन ये ड्रीम कैसे कम ट्रू होगा वो उन्हें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है। वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में दिन और रात सोचते हैं, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं और अक्सर आपको याद करते रहते हैं, आपकी तरफ दोबारा बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा उन्हें कि किस तरीके से बढ़ें एंड कब बढ़ें, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ा है और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनकी गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, जबकि वो इस बात से अनजान हैं अभी भी कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि अगर वो सही तरीके से आके आपको सॉरी बोलें एंड सही में सॉरी फील करें तो आप माफ़ करके इस रिश्ते को एक नया मौका जरूर देंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने औरों के मैनिपुलेशन में आकर, औरों के भड़कावे में आकर, औरों की बातों को सच मानकर आप पे शक किया, आपके साथ लड़ाई की, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, आपके साथ मिसबिहेव किया और आपको छोड़ दिया, जिसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। वो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं एंड ये समझ पाते हैं कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है एंड अब ये एक आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन टोटली अपने कर्मों को देखकर इनकी हिम्मत नहीं हो रही उस शुरुआत को करने की। एंड मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके बारे में आपके पर्सन डे एंड नाइट सोचते हैं और डेफिनेटली ये टावर मोमेंट को ओवर करके औरों के मैनिपुलेशन से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं या बहुत जल्दी निकलने वाले हैं एंड इनको रियलिटी का समझ में आ रहा है कि रियल क्या था और गलत क्या था, मैनिपुलेशन क्या था और रियलिटी क्या थी। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते की, जो कि इन्होंने खुद ही बिगाड़ा है, इसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक से सेटल डाउन करना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा एंड कब तक होगा। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन अपने लाइफ में टोटली बैलेंस हो जाएंगे और डेफिनेटली इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये अगेन आपके लाइफ में आए एंड देन ये आपके लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रीयूनाइट कर जाएंगे, एक मैच्योर वे में आएंगे एंड देन किसी का भी मैनिपुलेशन आपके रिश्ते को बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कब तक होगा? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, उसके 5 मंथ्स तक आप लोगों का रीयूनियन इनके साथ हो सकता है। ये आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ मैरिज फिक्स कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनाइट कर सकते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली स्पेंड कर सकते हैं और सेटल डाउन कर सकते हैं। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहें सो दैट आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर पाएं जो आप डिज़र्व करते हैं और आपके नेगेटिव कर्मा के इफ़ेक्ट
जो भी जाने अनजाने में हुए हैं वो कम हो पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में कार्मिक लोग बहुत हैं जो आप लोगों के प्यारे से रिश्ते को ख़राब करने की कोशिशें लगातार और बार बार कर रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।